बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और एक क्वेश्चन आज रेडियो एक्टिविटी का सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, अ फ्रैक्शन एफ वन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल डिकेज इन वन मीन लाइफ एंड अ फ्रैक्शन एफ टू डिकेज इन वन हाफ लाइफ देन, और डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए कि पहले सोल्यूशन वन नंबर सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फ्रैक्शन रिमेंस के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, और इसको हम लोग एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल भी बोलते हैं। ये वैल्यू आप जैसे जानते हैं एन बाई एन नोट से इसको डिनोट करते हैं, और इसको एक्सपोनेंशियल के टर्म में आप ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी से डिनोट करते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया कि जब फ्रैक्शनल डिकेज अगर हम लोग निकालते हैं, ये देखिए कि फ्रैक्शन डिकेज जब आप निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा वन माइनस एन बाई एन नॉट, और आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं वन माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एन टी। तो अब जैसा क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग डिकेज से कंसर्न लिया हुआ है, तो सेकेंड वाले ऑप्शन को देख रहे हैं। और ये इंडिकेशन जैसे फ्रैक्शन एफ वन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल का एफ वन जो वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये फार्मूला आप यूज करिए वन माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। और जैसे देख रहे हैं कि एफ वन डिकेज इन वन मीन लाइफ, तो वन मीन लाइफ का वैल्यू आप यहाँ प्लेस कीजिए माइनस लेमडा इन टू टी इजकल टू वन बाई लेमडा। ये मीन लाइफ को इस तरह से इंडिकेट करते हैं, वन माइनस ये वैल्यू आपका ई टू द पावर माइनस वन हो जाएगा। और जब एक्सपोनेंट ई का वैल्यू जब आप रखते हैं, प्लेस करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो एक्चुअली आपका ये वन माइनस अप्रोक्सीमेशन में ये वैल्यू वन माइनस 0.37 हम लोगों ने लिया है। और फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि एफ वन इक्वल टू ये आपका वैल्यू 0.63, अगर परसेंटेज में पूछता है तो आप परसेंटेज में भी इसको आप निकाल सकते हैं। तो एक वैल्यू देखिए कि इसका एफ वन के लिए हम लोग निकाले हैं फ्रैक्शन एफ वन के लिए। और इसी तरह से अगर हम लोग एफ टू को सॉल्व करते हैं तो एफ टू इक्वल टू वन माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। और जैसे कि सेकेंड पार्ट में आपको बता रहा है फ्रैक्शन एफ टू डिकेज इन वन हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ के लिए स्मॉल टी को हम लोग रिप्लेस करते हैं कैपिटल टी से लिखते हैं, ये देखिए। और अब जब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर वन माइनस ई टू द पावर ये माइनस साइन हो गया, और लेमडा का वैल्यू जिस तरह से आप जानते हैं 0.693 बाई टी हाफ, और यहाँ ऑलरेडी एक टी हाफ आपके पास दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व करते हैं टी हाफ और ये कैंसिल कर लीजिए, अब आपके पास वन माइनस ई टू द पावर माइनस 0.693 का वैल्यू होगा, और ये वैल्यू आपका वन माइनस 0.5 अप्रोक्सीमेशन में है। और लास्टली आप देखिए कि ये भी वैल्यू तब आपका 0.5। तो देखिए कि दो फ्रैक्शन हम लोग फ्रैक्शन एफ वन ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल डिकेज वन मीन लाइफ जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है, और जो फ्रैक्शन एफ टू डिकेज इन वन हाफ लाइफ जो एफ टू है जिसको का आपने ये कैलकुलेट किया है, ये देखिए यहाँ पर है। तो क्लियरली आप ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसमें एफ वन ग्रेटर देन एफ टू को शो कर रहा है। तो ये सोल्यूशन वन है जिसको ऐसे देखते हैं। कुछ लोग इसको दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं थ्योरेटिकली, जैसे आप जानते हैं कि जब मीन लाइफ हम लोग निकालते हैं तो मीन लाइफ अगर एक सैंपल जो दिया हुआ है जिसको वन सैंपल अगर हम लोग बोलें तो वो मीन लाइफ वन बाई लेमडा बता रहा है, और दूसरा जो आप देख रहे हैं ये दूसरा का जो मीन लाइफ अगर हम लोग टी टू से लिखते हैं तो वो आपका हाफ लाइफ का इक्वल बता रहा है। तो ये हाफ लाइफ का जो वैल्यू होता है आप जैसे जानते हैं 0.693 टाइम्स ऑफ वन बाई लेमडा या मीन लाइफ, तो आप कंपेरेटिवली देख सकते हैं कि जो आप मीन लाइफ टी वन और मीन लाइफ टू जो आप निकाल रहे हैं तो ये क्लियरली आपका ग्रेटर देन मीन लाइफ टू हो जाएगा। और जब ये ग्रेटर है तो ग्रेटर फ्रैक्शन विल डिकेज इन लॉन्गर टाइम,
और इससे आप लिख सकते हैं दैट इज F1 ग्रेटर देन F2। तो आप मीन लाइफ के बेसिस पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं।